हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम एक स्विंग ट्रेडिंग सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सिंपल आपको एक इंडिकेटर देने वाला हूँ जिसका नाम है RSI+। तो आपने YouTube के अंदर हिलेगा मिलेगा इंडिकेटर का नाम सुना होगा, तो ये बिल्कुल उस जैसा आपको देखने को मिल जाएगा। बट जो ये RSI+ है वो हिलेगा मिलेगा से थोड़ा एडवांस है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। ये इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू के अंदर फ्री में देखने को मिल जाएगा, और जो इसका सेटिंग है उसके अंदर मैंने चेंजेस किए हुए हैं, तो उन सेटिंग का फोटो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ पर बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आप सिंपल टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाओ एंड वहाँ पर आपको मैं सेटिंग के फोटो डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि आपको इसमें अपनी एंट्री किस तरीके से बनानी है एंड कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस टारगेट रहने वाला है। तो इंडिकेटर को देखकर ही पता चल जाएगा कि आपको इसमें अपनी एंट्री किस तरीके से बनानी है। जब भी ये RSI+ रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट होता है तो आपको वहाँ पर अपनी एंट्री बनानी होती है। तो करीब 20 लेवल पर आपकी एंट्री होगी एंड जिस भी कैंडल के अंदर आपने अपनी एंट्री बनाई है उसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट की अगर बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट टारगेट 1:2 का रहने वाला है। उसके बाद आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना है एंड जब तक आप होल्ड कर सको उतना आपको वहाँ पर होल्ड करना है। एंड अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो करीब 20 लेवल पर आपकी एंट्री होती एंड जो यहाँ पर हाई लगा है वो करीब 8% के आसपास का है, और हम आगे आए और फिर से इस लेवल पर ये जोन रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है। तो करीब 20 कैंडल पर आपकी एंट्री होती और जो इसका हाई है वो करीब 9% के आसपास का है। एंड इसके स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो करीब 1.8% के आसपास का है, तो आपको इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। एंड अगले एग्जांपल की अगर बात करें तो इस लेवल के आसपास फिर से ये रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है, तो करीब 20 लेवल पर आपकी एंट्री हो जाती और जो इसका हाई है वो करीब 9% के आसपास का है। इस तरीके से आप अपनी एंट्री इसके अंदर बना सकते हो। एंड यहाँ पर मैंने डेली का चार्ट ओपन किया हुआ है। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली के अंदर भी आप इसको काफ़ी अच्छा ट्रेड कर सकते हो। इसके अंदर आपको सिंपल एक हायर हाई फॉर्मेशन फाइंड करनी है। जैसा कि आप इस चार्ट को अगर देखो तो यहाँ पर आपको एक कंसोलिडेशन जोन देखने को मिल जाएगा। मार्केट इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है एंड करीब आप इस लो को देखो और ये लो को देखो तो आपको यहाँ पर ये लोअर लो देखने को मिलेगा। एंड अगर आप नीचे देखो RSI+ को तो इसके अंदर आपको एक हायर हाई देखने को मिल जाएगा, और इस चीज़ को हम यहाँ पर RSI डाइवर्जेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये इंडिकेटर RSI के ऊपर बना हुआ है। तो इस लेवल के आसपास आपको यहाँ पर बाय देखने को मिल जाता है, यानी कि ये जोन रेड में से ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके अंदर जो आपकी एंट्री है वो करीब इस लेवल के आसपास हो जाएगी। एंड उसके बाद अगर आप देखो तो इसमें 33% के आसपास का हाई लग चुका है, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। इस इंडिकेटर की मदद से स्विंग ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाएगा एंड आप इसको किसी भी स्टॉक के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। पर आपको मेरा एक सजेशन है कि आप उस स्टॉक को पिक करो कि जो स्टॉक डेली चार्ट के अंदर या फिर वीकली चार्ट के अंदर एक हायर हाई फॉर्मेशन के अंदर ट्रेड करता हो, तो उसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस है वो बहुत ही कम हिट होगा, जो आपका विन रेशियो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। एंड इस इंडिकेटर का सेटिंग आपको टेलीग्राम के अंदर देखने को मिल जाएगा, तो उसके अंदर ज्वाइन होना ना भूले। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां से आप उसके अंदर फ्री में ज्वाइन हो सकते हो। एंड इस RSI+ के अंदर आपको ये रेड जोन देखने को मिलेंगे या ग्रीन जोन देखने को मिलेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर बात करने वाले हैं। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच।